हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। सो हाँ, वेडिंग सीजन चल रहा है इस बार, बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चल रहा है। आई एम श्योर आपको भी वेडिंग्स अटेंड करनी होगी, आपने करी होगी। सो आज का वीडियो इसी बारे में है। मैं बताऊँगी कुछ वेडिंग हैक्स, कुछ लास्ट मिनट वेडिंग हैक्स। सो अगर आपको कोई वेडिंग अटेंड करनी है एंड आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है उसकी तैयारी के लिए, लास्ट मिनट पर क्या क्या कर सकते हैं ताकि आप एकदम वेडिंग रेडी लगे। सो इसमें हम स्किन केयर, मेकअप, ड्रेसिंग, ज्वेलरी सब के बारे में बात करने वाले हैं। आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इसी तरीके के और भी फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल वीडियोस लेकर आती रहूँगी। एंड बेल बटन को भी हिट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती जाएगी। सो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। जैसे जो मेरा फर्स्ट हैक है वो है स्किन केयर के बारे में। सो अगर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं, अगर आपको वेडिंग अटेंड करनी है एंड आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है आपका स्किन केयर करने के लिए या फिर फेशियल वगैरह करवाने के लिए, सो आप यहाँ पर एक क्विक टिप है जो कि आप अपना फेस को इंस्टेंटली लिफ्टअप कर सकते हो, हाइड्रेटेड बना सकते हो, वो है आप शीट मास्क यूज़ करिए। या शीट मास्क अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको इंस्टेंटली फेस एकदम लिफ्टअप हो जाता है, हाइड्रेटेड हो जाता है, मॉइस्चराइज हो जाता है, जिसके ऊपर अगर आप मेकअप करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से टिकेगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्लो करेगा एंड आपका जो फेस है वो ड्राई भी नहीं लगेगा, क्योंकि विंटर सीजन है, फेस को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फेस मास्क एंड शीट मास्क ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से करता है। शीट मास्क के लिए आपको ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, अराउंड 10 to 15 minutes में आपकी स्किन एकदम रेडी हो जाती है। काफ़ी सारे शीट मास्क अवेलेबल है मार्केट में, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। सो चलिए, आपने स्किन को तो प्रिपेयर कर लिया, सो अब बात करते हैं मेकअप की। सो अगर आप आपका टाइम नहीं है एंड आपको फटाफट से वेडिंग में जाना है तो आप किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड वे में आप मेकअप कर सकते हो, ओनली 4 to 5 प्रोडक्ट्स यूज़ करके मेकअप कर सकते हो बहुत ही अच्छा सा ग्लोई फिनिश वाला, मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में दिखाया हुआ है। मैं उसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी एंड आई बटन पर भी लगा दूँगी, अब वो चेक कर लेना। बहुत ही इजीली 10 मिनट में आपका मेकअप हो जाएगा, वो भी 4 to 5 प्रोडक्ट्स यूज़ करके। सो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगा के, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट से आपका मेकअप हो जाएगा। स्क्रीन पैप भी हो गई, मेकअप भी हो गया, अब बात करते हैं क्लोथिंग की। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक कपड़े नहीं ही है वेडिंग के लिए या फिर वही कपड़े जो आपने पहले पहन रखे हैं तो आप उसको किस तरीके से रिपीट कर सकते हो, आप उसको डिफरेंट वेज में रीस्टाइल कर सकते हो ताकि वो नए लगे। मैंने इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस किए हैं प्रीवियसली, मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर मैं कुछ टिप्स भी दे देती हूँ आपको कि सेम कुर्ता है, सेम अनारकली है, आप उसको डिफरेंट डिफरेंट दुपट्टे के साथ, डिफरेंट डिफरेंट ज्वेलरी के साथ स्टाइल करिए, हर बार आपका लुक डिफरेंट निकल के आएगा। आपके पास कोई एथनिक स्कर्ट है, लहंगा है, आप उसको डिफरेंट ब्लाउज, डिफरेंट क्रॉप टॉप के साथ एंड डिफरेंट डिफरेंट दुपट्टे के साथ स्टाइल करिए, अगेन हर बार जो आपका लुक है वो डिफरेंट निकल के आएगा। सो आपके पास अगर टाइम नहीं है जाके न्यू कपड़े बाय करने के लिए, सो आप देखिए अपने वार्डरोब में क्या क्या है एंड उसको आप किस तरीके से इजीली मिक्स एंड मैच करके एक नया वेडिंग आउटफिट क्रिएट कर सकते हो। एक और तरीका है जिससे आप सिंपली इजीली एग्जिस्टिंग आउटफिट को, साड़ी को, लहंगा को एक मॉडर्न, एक वेडिंग लुक, एक शीक लुक दे सकते हो, वो है बेल्ट्स ऐड करना। यस, बेल्ट्स आर वेरी मच इन ट्रेंड, आप उसको साड़ी के ऊपर ऐड कर सकते हो, आप उसको लहंगास के ऊपर ऐड कर सकते हो, इवन आप कुर्ती अनारकली के ऊपर दुपट्टा स्टाइल करने के लिए बेल्ट्स को ऐड कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लुक दे देगा, डिफरेंट लुक दे देगा एंड इसमें कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। बेल्ट्स नहीं है तो आप लास्ट मिनट इजी DIY बेल्ट भी बना सकते हो। आपके पास कोई लेसेस होंगी, कोई पुरानी साड़ी होगी जिसमें लेस होगी, आप गोल्डन लेस या आपके साड़ी लहंगा से मैचिंग की लेस, आप उसको लेस को अपने वेस्ट के हिसाब से कट करके एंड उसको सेफ्टी पिन से बांध करके आप अपने वेस्ट पे लगा सकते हो। इजी लास्ट मिनट DIY है, आपके वेडिंग आउटफिट को एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लुक दे देगा, आपके फैशन को एकदम अपलिफ्ट कर देगा। बस कोई लेसेस भी नहीं है तो आप ज्वेलरी से आपकी बेल्ट बना सकते हो। यस, बहुत ही ज़्यादा इजी वे है। अगर आपके पास कोई अच्छा सा चोकर है जो कुंदन वर्क का है, मोती वर्क का है, आप उसको एज अ बेल्ट यूज़ कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। आपके प्लेन बोरिंग कपड़ों को भी बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट लुक दे देगा, बहुत ही ज़्यादा हैवी लुक दे देगा एंड वेडिंग्स के लिए तो एक बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने ये भी अपने एक प्रीवियस वीडियो में दिखाया हुआ है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वो वीडियो जाकर जरूर चेक करिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होगा आपके लिए।
सो नेक्स्ट हैक आता है ज्वेलरीज के ऊपर. अगेन आपके पास कोई नई ज्वेलरी नहीं है एंड आपके पास जो एग्जिस्टिंग है आपको उसी को डिफरेंट वेज में स्टाइल करना है. सो इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो किया हुआ है जहाँ पर आपकी एग्जिस्टिंग ज्वेलरी को आप डिफरेंट डिफरेंट वेज में कैसे स्टाइल कर सकते हो. ईयरिंग को एज अ मांग टीका कैसे यूज़ कर सकते हो, चोकर को एज अ वेस्ट बेल्ट कैसे यूज़ कर सकते हो, आपके प्लेन कुर्ता पे एम्बेलिशमेंट कैसे कर सकते हो. बहुत ज़्यादा अमेजिंग है. आप वो वीडियो भी जाकर ज़रूर चेक करिए. मैं आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ. अगर आप कुंदन में ईयरिंग है, गोल्डन में ईयरिंग है, चांद वाली है, तो आप उसको एज अ मांग टीका यूज़ कर लीजिए. आप उसमें एक धागा लगा के एज अ मांग टीका लगा के एंड पीछे टक इन कर दीजिए. आपका जो लुक है बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगेगा. आपको कोई नई ज्वेलरी खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सेम वे जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर आपके पास कोई पर्ल में चोकर है, कुंदन में चोकर है, आपको एज अ वेस्ट बेल्ट यूज़ करिए. अगेन आपका जो लुक है बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ जाएगा. आजकल हेड बैंड्स भी चल रहे हैं, माथा पट्टी की जगह पे हेड बैंड्स चलते हैं. सो अगर आपको मांग टीका नहीं यूज़ करना, सो आप अपने चोकर को एज अ हेड बैंड यूज़ कर सकते हैं. एकदम ही आपको डिफरेंट लुक मिल जाएगा, फ़ोटोज़ में बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगेगा. सो अगेन ये सब बहुत ज़्यादा लास्ट में DIYs है. आपको ना बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा प्लान करने की ज़रूरत नहीं है. एंड लास्ट मिनट पे आप इस तरीके से ना कुछ कुछ चीज़ें फॉलो करके आप अपना लुक बिल्कुल एकदम वेडिंग रेडी कर सकते हो. सो आई होप ये मेरे सारे हैक्स या सारे टिप्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे. एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए इसमें से कौन सा वाला हैक या कौन सा वाला टिप आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा. ऑल्सो आपको इस तरीके की वीडियोस देखना अगर पसंद है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं और भी वीडियोस लेकर आती रहूँगी. आज के वीडियो में बस इतना ही. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा. आई एम श्योर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है. मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.